गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस INM कंपोनेंट, रिमेनिंग INM कंपोनेंट। ओके, तो हमारा लेग्यूम्स से पहले हो गया था, आज अपने लेग्यूम्स की बात कर लेते हैं और उसके आगे जो पॉइंट बचे हैं उसकी बात अपने करेंगे। तो लेग्यूम्स की अपने बात करते हैं। लेग्यूम्स हैव ए लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ बींग सोयल फर्टिलिटी रिस्टोरर ड्यू टू द एबिलिटी टू ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर। ठीक है, एटमोसफियर से नाइट्रोजन ली जाती है। तुम सबको पता होगा एटमॉस्फेयर में कितनी नाइट्रोजन होती है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन सिम्बायोटिक विद राइजोबिया। ठीक है, राइजोबिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोयल की जो सोयल के अंदर रूट में जो है उसे फिक्सेशन कर देता है नाइट्रोजन को। लेग्यूम्स कुड प्रूव एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ INM व्हेन ग्रोइंग फॉर गेन एंड फूडर इन क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, और व्हेन इंट्रोड्यूस फॉर ग्रीन मैन्योरिंग लेग्यूम ग्रोन एज ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो लेग्यूम को एज ए ग्रीन मैन्योर भी हम यूज कर सकते हैं। फॉरेज और ग्रेन क्रॉप इम्प्रूव्ड द प्रोडक्टिविटी राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम एंड रिजुविनेटेड सोयल। रिजुविनेटेड का मतलब होता है इम्प्रूव करना सोयल को। और जब अपने राइस वीट का जब अपने लेंगे क्रॉप रोटेशन तो उसमें भी अपने को हेल्पफुल होगा अगर अपने ग्रीन मैन्योरिंग या लेग्यूम क्रॉप लगाते हैं तो। नेक्स्ट आ जाता है अपना क्रॉप रेजिड्यू की बात अपने कर लेते हैं। क्रॉप रेजिड्यू क्या है, क्रॉप रेजिड्यूज हैव सेवरल कम्पिटेटिव यूज है एंड मे नॉट बी ऑलवेज अवेलेबल एंड इंग्रेडिएंट ऑफ INM। ठीक है, मतलब INM में इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है। येट इन द रीजन लाइक नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट की अपने मेनली बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया वेयर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिसेस। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस होती है, मतलब जो हार्वेस्टिंग है वो मैकेनिकल तौर पे करते हैं, इक्विपमेंट से मशीनों से करते हैं। ए साइजेबल क्वांटिटी ऑफ रेजिड्यू इन लेफ्ट इन द फील्ड, फील्ड के अंदर छोड़ दी जाती है विच कैन फॉर्म ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई का पार्ट है। देर आर लार्ज अमाउंट ऑफ रेजिड्यू ऑफ द अदर क्रॉप लाइक पोटैटो है, शुगर केन है, वेजिटेबल है, ये खेत के अंदर ही छोड़ दिए जाते हैं विच आर प्रैक्टिकली वेस्टेड इन मोस्ट केसेज, जो मोस्ट केसेज के अंदर वेस्टेज होता है। ऑल दो सीरियल क्रॉप रेजिड्यू आर वैल्यूएबल कैटल फीड हैं, दीज कुड बी यूज टू सप्लीमेंट द फर्टिलाइजर वेयर द अवेलेबल इन एक्सेसिव ऑफ लोकल नीड। ठीक है, तो लोकल नीड के अंदर जो है, लोकल के अंदर जो नीड है उसको फुलफिल किया जा सकता है क्रॉप रेजिड्यू का यूज करके। डिस्पोजल ऑफ स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ इन ट्रांस एंड अपर गंगाइटिक प्लेन, जो ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र है इंडिया का उसकी बात हो रही है, हैज इमर्जेड एज ग्रेट प्रॉब्लम है। इन दीज कम्बाइन हार्वेस्टिंग एरिया फार्मर अप टू बर्न द रेजिड्यू इन सीटू। सीटू का मतलब क्या होता है, उसको जला देना और डीकम्पोज करना। ठीक है, लॉसिंग प्रीशियस न्यूट्रिएंट ऑन द वन हैंड एंड पोल्यूटिंग एनवायरमेंट ऑन द अदर। ठीक है, अगर फार्मर पराली वगैरह जलाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे पोल्यूशन भी होता है। रिसाइकलिंग ऑफ दीज रेजिड्यू बैक टू फील्ड हेल्प टू बिल्ड स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर। स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है सोयल के अंदर उसको क्या बोल कर देता है, स्टेबल कर देता है। ठीक है, स्टेबल कर देता है कौन, क्रॉप रेजिड्यू उसको स्टेबल कर देगा। ओके, ये याद रखना है। रिसाइकलिंग ऑफ रेजिड्यू बैक टू फील्ड हेल्प टू बिल्ड स्टेट ऑर्गेनिक मैटर इन द सोयल एज ऑल्सो टू सस्टेन क्रॉप यील्ड लेवल। ठीक है, जो क्रॉप के हमारी जितनी यील्ड होती है उसका लेवल भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसका लेवल भी मेंटेन रहेगा। स्टेबल लेफ्ट इन द सोयल फील्ड इवन इन ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड है उससे भी ये क्या है, स्टेबल रहता है। ठीक है, रेंज कितनी रहती है, 0.5 to 0.5 टन। ओके, 0.5 to 5 टन रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टबल लेफ्ट, स्टबल का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल है सोयल का, स्ट्रो वगैरह वो पेंडिंग बचे। स्टबल लेफ्ट इन फील्ड इवन ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग 0.5 to 1.5 टन प्रति हेक्टेयर, ये अपना बच जाता है फील्ड के अंदर इन केस ऑफ डिफरेंट क्रॉप। व्हेन मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इज डन दिस अमाउंट इज मच ग्रेटर, अगर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग होगी तो ये ज़्यादा बचेगा। स्टेबल ऑफ कोर्सेस कोर्स सीलेड, कोर्स का मतलब होता है बड़े अनाज या सख्त अनाज, सच है सोरगम है, मेज है, परमिलेट एक्सेट्रा है, विच आर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। ठीक है, डिफिकल्ट टू डिकम्पोज मतलब क्या है, मतलब ये है कि उनको जो डिकम्पोज करना है वो डिफिकल्ट है।
ठीक है, डिकम्पोज वो नहीं होते आसानी से, आर विच आर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज आर नॉर्मली कलेक्टेड एंड बर्न ड्यूरिंग लैंड प्रिपेयरिंग कॉजिंग सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो उसको क्या करते हैं, उसको फार्मर जला देते हैं, जिससे क्या होता है लॉस होता है न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट बात करते हैं अपने बायोफर्टिलाइजर की, INM के अंदर अपने बायोफर्टिलाइजर बात कर लेते हैं। नॉर्मल बायोफर्टिलाइजर तो अपने बात कर ही ली थी। बायोफर्टिलाइजर आर द मटेरियल कंटेनिंग लिविंग और लेटेंट सेल्स ऑफ एग्रीकल्चरली बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग सॉयल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी ड्यू टू देयर कैपेबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन सोल्यूबल मोबाइल या मोबिलाइज फॉस्फोरस एंड डीकम्पोज फार्म वेस्ट रिजल्टिंग इन द केस ऑफ रिलीज द प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो अपने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे और साथ ही क्या करे, फॉस्फोरस को मोबाइल भी करे। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर नंबर एंड एफिशिएंसी विच हाउएवर दी गवर्न्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सोयल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी क्या होगा, वो इंगेज होंगे, प्रभावित भी होंगे। बैक्टीरियल कल्चर लाइक राइजोबियम एजोसिप्रिलम एजोटोबैक्टर हैव टू एबिलिटी टू फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन विच टर्न इंक्रीज नाइट्रोजन सप्लाई टू क्रॉप। ठीक है, जो क्रॉप को नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं। बैक्टीरियल कल्चर ऑफ स्यूडोमोनास बेसिलस स्पीसीज एंड फंगल कल्चर ऑफ एस्परजिल स्पीसीज हेल्प टू कन्वर्ट इनसोल्युबल फॉस्फोरस इनटू प्लांट यूजेबल फॉर्म दस इम्प्रूव फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो सोयल के अंदर जो फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। सिमिलरली फंगी लाइक वैस्कुलर आर्बोस्कुलर माइकोराइजा जिसको फेम वैम बोलते हैं, जो कि वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉस्फोरस फिक्सेशन के लिए, इंक्रीज न्यूट्रिएंट अपटेक पार्टिकुलरली दैट ए फॉस्फोरस ड्यू टू इंक्रीज कंटेंट ऑफ रूट विद लार्ज सोयल वॉल्यूम। राइजोबियम इज द मोस्ट वेल नोन बैक्टीरियल स्पीसीज दैट एक्ट एज द प्राइमरली सिम्बायोटिक फिक्सर ऑफ नाइट्रोजन। These bacteria can infect the root of legume plant, leading to the formation of lump or nodule where the nitrogen fixation take place. The bacterium enzyme system supply a constant resource of reduced nitrogen to host plant and the plant furnished nutrient. ठीक है, plant को अच्छे nutrient मिल जाते हैं biofertilizer से and increase for the activity the bacterium और जो bacteria की जो activity है वो भी increase होती है अगर हम biofertilizer का use करेंगे। द राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन कैन बी फिक्स 100 to 300 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर इन वन क्रॉप सीजन के अंदर इतना फिक्स कर देते हैं एंड इन सर्टेन सिचुएशन लीव्स सब्सटेंशियल नाइट्रोजन फॉर फॉलोइंग क्रॉप। द सिंबल कैन मीट फ्रॉम मोर देन 80% ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ लेग्यूम क्रॉप। तो लेग्यूम क्रॉप की जो लेग्यूम क्रॉप के अंदर जो जितने भी रिक्वायरमेंट है 80% रिक्वायरमेंट बायोफर्टिलाइजर से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग होते हैं, देखो बायोफर्टिलाइजर में अपने पता था एक तो नॉन लिविंग होते हैं एक फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, तो फ्री लिविंग के अंदर आ जाता है एजोटोबैक्टर इम्पार्ट पॉजिटिव बेनिफिट टू द क्रॉप थ्रू स्मॉल इंक्रीज इन नाइट्रोजन इनपुट फ्रॉम BNF। बायोफर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं BNF को। डेवलपमेंट एंड ब्रांचिंग ऑफ रूट प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन इनहेंसमेंट इन अपटेक ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रेट अमोनियम आ जाएगा तुम्हारा H2SO4 अपने फॉस्फोरस आ जाएगा पोटेशियम आ जाएगा और फेरस आ जाएगा। इम्प्रूव वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर जो वाटर स्टेटस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इंक्रीजिंग नाइट्रोजन रिडक्टेज एक्टिविटी वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटी फंगल कंपाउंड भी क्या होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। इन इरिगेटेड वीट सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स टू एजोटोबैक्टर इनोकुलम वाज रिकॉर्डेड इन लार्ज नंबर ऑफ ऑन फार्म ट्रायल। ठीक है, एजोटोबैक्टर हैज़ बीन फाउंड टू कंट्रीब्यूट इन जनरल 20 to 25 किलोग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, 20 to 25 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अच्छा फिक्सेशन होगा। एजोसिप्रिलम कॉलोनाइज करता है द रूट मास को फिक्स नाइट्रोजन इन लॉस एसोसिएशन विद प्लांट। इट हैज शोन पॉजिटिव इंट्रैक्शन विद अप्लाइड नाइट्रोजन इन सेवरल फील्ड क्रॉप विद एन एवरेज रिस्पॉन्स इक्विवेलेंट इन 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ अप्लाइड नाइट्रोजन। सेवरल स्टेन ऑफ फॉस्फोरस सोलुबिलाइज बैक्टीरिया एंड फंगी हैव बीन आइसोलेटेड एंड इनोकुलेशन फॉर सोलुबिलाइजिंग माइक्रोबायल कल्चर इज नोन एज इनक्रीज।
सेपरेंटली सोलूबल फास्फोरस इन सोयल, ठीक है। फिर इसके बाद कहता है कि एक हेक्टेयर के अंदर फास्फोरस कितना फिक्स होगा, तो ये 30 to 35 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर फिक्स होगा, ठीक है। बाकी नहीं करना है, मेनली अपना इतना हो चुका है, ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं करना है। एडवांटेज इसके करने हैं, द एडवांटेज ऑफ INM कैन बी ब्रॉडली इन्यूमरेटेड एज, क्या क्या एडवांटेज हैं, तो 4 एडवांटेज दिए हैं, पढ़ लेते हैं उसको। रेस्टोरेशन एंड सस्टेन्ड फॉर सोयल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एक तो सोयल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी का रेस्टोरेशन होता है, मतलब जो खराब होगी है वो सही हो जाएगी, और क्या है, सस्टेन रहेगी, मतलब मेंटेन भी रहेगी। सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स डिफिशियंसी, जो सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी है वो भी सही हो जाएगी। इकोनॉमिकनाइज द इन फर्टिलाइजर यूज एंड इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रेंट अनसफिशेंटी, ठीक है, तो फर्टिलाइजर का भी अच्छे से इकोनॉमिक यूज़ हो पाएगा। फेवरल इफेक्ट ऑन फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल हेल्थ ऑफ सोइल, जो सोइल की फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ पर भी अच्छे खासे इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज अपना ये INM हो गया है और इसके एडवांटेज भी हो गए, कल अपने आगे वाला इसके टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।